हम सबका टीवी, बोले तो अपना टीवी, अपनी प्रॉब्लम बताने का, उस पर फिल्म बनाने का। ये है हमारी आवाज, हमारे सुख, हमारी हंसी, हमारे आंसू, हमारे आंसू, हमारी हंसी, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी पहचान, हमारी जान, हमारे गीत, हमारे संगीत, हमारी दिवाली, हमारी ना ई टीवी ना जी टीवी ना स्टार न्यूज ना स्टार प्लस, बोले तो अपुन का टीवी, ना ई टीवी ना जी टीवी ना एम टीवी ना स्टार प्लस ना स्टार न्यूज, ना ई टीवी ना जी टीवी ना एम टीवी ना वी टीवी ना सी एन ए, अपुन का अपना टीवी। ये है अपुन का अपना टीवी, हमारी अनदेखी अनकही, हमारी अनसुनी अनदेखी अनकही कहानियाँ, कहानियाँ, कहानियाँ। अपुन अपना ही सुख दुख अपनों को बताएगा, अपुन अपना स्टोरी बनाएगा, अपुन अपना सुख दुख अपनों को दिखाएगा, अपनों को दिखाएगा। मिलेगा जिंदगी के मुश्किलों को कैसे आसान करने का, अपनी चौरते बच्चे बूढ़े युवा को साथ लेके समाज को बदलने का, जन जागरण करने का, अपनी बात कहने का, अपनों को अपने से जोड़ने का, ये प्रयास है अपना। ये नमस्ते सलाम, ये है आपका अपना टीवी। यहाँ हम हर महीने लेके आएंगे आपकी और हमारी समस्या, सपनों और हकीकतों की खबर एक वीडियो मैगजीन के रूप में। अपना टीवी के इस अंक में हम देखेंगे कुछ ऐसी कहानियाँ उन लोगों की जिन्होंने अपना सपना देखने का साहस किया और उनको पूरा करने की कोशिश में सफलता पाई। मैं अमोल लाल झरे, किसी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। मैंने अपने घर के लिए कभी केबल का काम किया तो कभी रिक्शा चलाया। अपने ही हालात से लड़ने का, आगे बढ़ने का विश्वास मुझे अपने ही एक पड़ोसी मंगल से मिला। तुम्हाला का वाटले पुढे शिक्षण घ्यावे? मी ना पहिले कचऱ्यावर जायचे ना, तेव्हा एक दिवस ना कचरा वेचता वेचता मी एका ठिकाणी उभी राहिली। तिथं एक टीचर ना मुलांना शिकवत होती, तर शिकवत असताना मला असं वाटलं की मला पण एक दिवस असं टीचर होऊन बसता येईल का। मला असं वाटलं की काहीतरी करावं, मग मी 10वीच्या परीक्षेला बसले आणि पास झाल्याच्या नंतर मग मी आज त्या टीचर सारखं मी मुलांना काम करते। तुम्हाला हे काम आणि शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्या अडचणी आल्या? सेविका या पदासाठी नेमणूक करतात, मग त्यासाठी मी फॉर्म भरला आणि नंतर फॉर्म भरल्याच्या नंतर मला कॉल आला। कॉल आल्याच्या नंतर मी इंटरव्ह्यूला गेले, ते साहेब आहे ना तिथले काय म्हणले, चालत नाही सर्टिफिकेट असं बोलल्याच्या नंतर मग मला खूप माझ्या मनाला वाईट वाटलं। असं वाटलं की मी वर्षभर मेहनत केली, रात्रीचा दिवसाचा अभ्यास केला, एवढं घरातून मी एवढा प्रयत्न केला आणि हे चालत नाही म्हणल्यानंतर मग तरी पण मी गप्प बसली नाही। मंत्रालयात गेलो, शिक्षण मंत्र्याला मी भेटलो माझ्या आणि ते बोलले की हां हे चालत आहे म्हणून सेविका म्हणून माझी नेमणूक केली आणि मला आज हे काम करण्याची संधी लाभली। आता पुढे तुमचं स्वप्न काय आहे? माझं स्वप्न आहे मी आता 12वीची परीक्षा द्यावी आणि 12वीची झाल्याच्या नंतर मग अजून 2 वर्ष शिकावं, म्हणजे 15वीपर्यंत शिकून नंतर मला असं वाटतं की मी अंगणवाडीमध्ये सुपरवायझर म्हणून काम करावं।
आपको रिक्शा चलाने किसने सिखाया? मेरे पड़ोसी में एक भैया है, उसने सिखाया। आप एक औरत रह के आप रिक्शा चलाते हैं, आपको किसने रोका नहीं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ में सामने वाले भी बहुत खुश होते हैं, हम लोग मुझे देख के बहुत खुश होते हैं। गाड़ी चलाती है औरत लोग के, बड़े बूढ़े होएंगे तो आशीर्वाद देते हैं, बच्चे लोग भी आशीर्वाद देते हैं, कॉलेज के बच्चे लोग बड़े खुश होते हैं मेरे साथ में। और कभी कभी ऐसा भी कोई आदमी औरत रहते हैं जो भी छुके चले जाते हैं, ऐसा भी है, ऐसा बहुत बार हुआ है। रिक्शा चला के मैंने घर बांधी डबल मालिक की, मेरे बेटे की शादी बनाई, दो बेटे को पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, ग्रेजुएट किया, कंप्यूटर सिखाई और एक गाड़ी ली, मारुति वैन। आप चलाती हो? हाँ चलाती हूँ, कभी जब मूड हुआ तो। रिक्शा इज माई डार्लिंग नो। मुझे गर्व लगता है कि मैं एक महिला हूँ, एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ वुमन। सब लोग हमारे जैसे ही है, विशेषताएं उनके कामों में नहीं है, क्योंकि आप मैं हम सब ये कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ये वादा करें।